हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ रियलमी 6 स्मार्टफोन की जुलाई मंथ की न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट B.63 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पर रियलमी ने जो है रियलमी 6 के लिए B.63 की न्यू अपडेट जो है रोल आउट कर दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस अपडेट में आपको क्या कुछ नए फीचर जो देखने को मिल जाएंगे और साथ में अपडेट की साइज जो कितनी होने वाली है, इसके साथ में अगर आपको ये अपडेट अभी तक अपने डिवाइस में देखने को नहीं मिली है तो आपको ये जो अपडेट है ये कब तक देखने को मिल जाएगी, और साथ में आपको डिवाइस को मेन्यू अपडेट किस तरह से करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप जो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं मैं यूज कर रहा हूं अभी रियलमी 6 डिवाइस। तो चलिए मैं फटाफट से अपने डिवाइस की सेटिंग्स ओपन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है एंड इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सॉफ्टवेयर अपडेट का जो सेक्शन है यहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं डिटेक्टिंग हो रही है, ऊपर आप देख सकते हैं न्यू वर्जन अवेलेबल लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट वर्जन की बात करें तो आप यहाँ भी देख सकते हैं B.63 की अपडेट हमको रिसीव हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पे अपडेट की साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 182 यानी 182 MB की ये जो टोटल अपडेट है। फाइनली यहाँ पे बात करते हैं अपडेट में आपको क्या कुछ फीचर जो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से जो नीचे लर्न मोर पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपडेट लॉग में हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो हमको जून 2021 का कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, न्यू मंथ का हमको सिक्योरिटी पैच मिल चुका है, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद में नीचे यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम में क्या कुछ चेंजेस जो है देखने को मिला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया इस अपडेट में। इसके बाद में लास्ट चेंज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज द सिस्टम स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे जो सिस्टम की स्टेबिलिटी इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपडेट में कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर जो देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ से जो बैक कर लेता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन भी यूजर्स को डिवाइस में अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिली है उनको अपडेट कब तक देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो अपडेट है ये कंपनी ने 28 जून को जो रोल आउट की थी सभी यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये लगभग सभी यूजर्स को मिल चुकी है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको ये अपडेट नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है 4-5 दिन तक वेट कर लेना है, 4-5 दिन में आपको ये अपडेट जो है देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको इमीडिएटली अपने डिवाइस को अपडेट करना है तो आप जो अपने डिवाइस को मैनुअली अपडेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको डिवाइस को मैनुअली अपडेट किस तरह से करना है। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले होम पे जाना है, तो मैनुअली अपडेट की लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली वहां से भी आ सकते हैं। इसके बाद में आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो यहां पे फ्रेंड्स आपको सर्च करना है रियलमी 6 न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। तो चलिए मैं यहाँ से जो सर्च कर देता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट में आपको realme.com की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और इस वेबसाइट को यहाँ से जो ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन यहाँ से करते हैं और फटाफट से रियलमी 6 डिवाइस को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी 6 आई भी आ चुका है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी 6 आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट वर्जन है B.63 और 28 जून को कंपनी ने ये जो अपडेट है रिलीज़ की थी। अगर आपको अपने डिवाइस को मैनुअली अपडेट करना है तो आपको 3.18 GB की जो टोटल फाइल है इसको आपको यहाँ से जो डाउनलोड कर लेना है। इन डाउनलोड करने के बाद में आपको डायरेक्टली अपनी डिवाइस की फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है, वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर फाइल को चूज़ करना है एंड उसके बाद में आपको डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके अपडेट नाउ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो डिवाइस है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड अपडेट होने के बाद में आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ अगर आप अपने डिवाइस को मैनुअली अपडेट करते हैं तो इससे आपका जो डिवाइस है रीसेट नहीं होगा और ना ही आपका कोई जो डेटा है इसका लॉस होगा, तो आप इजीली अपने डिवाइस को मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।